See exercise 1.3. First the question. But it's very simple exercise. Write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. Vapis padhta hun. Write the following in a decimal form and say that kind of decimal expansion and has. Means, आप जो सम को कन्वर्ट सम करने जा रहे हो वो फाइनाइट रिकरिंग है या इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग है. आपको कंफर्म आंसर चाहिए तो देखो एक्सरसाइज 1.3 का आंसर देखो बेटा, जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो भी दूर हो जाए. कई बार कोई का कंफ्यूजन हो ना तो आपको क्वेश्चन देख लेने का है. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इज इट क्लियर? अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, जिसमें बार नहीं आया. नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीटिंग क्यों? पॉइंट वेल बार का मीनिंग क्या होता है? 0.12 में ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन लास्ट लेक्चर. तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर. ओके, अब मैं जो आपके सामने दोनों बताया पॉइंट वेल एंड पॉइंट वेल बार, आपको एक सम देता हूं. फर्स्ट है 36/100. आपको लिखना है कि कैन यू कन्वर्ट आंसर इन डेसिमल फॉर्म, आई मीन टू से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. बेटा अगर डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा नंबर जो, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा नंबर जिस जो 10 का फैक्टर हो या 10 का मल्टीपल हो, वो सब के सब टर्मिनेटिंग, यानी मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं. इसका आंसर है 0.36. क्लियर? तो ये हुआ टर्मिनेटिंग नंबर. सेकेंड 1/11, लेट्स स्टार्ट. अब बेटा 1/11 दिया है, मुझे 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा. हाँ, 1 को 11 से डिवाइड करना है. अब आपको एक क्वेश्चन होगा, सर दिख तो रहा है 1 तो 11 से डिवाइड नहीं होगा. यस, मुझे भी दिख रहा है 1 से 11 से डिवाइड नहीं होगा. बट व्हाट इज द आंसर ऑफ 1/11? मैं आपको 22/7 का आंसर 3.14 क्यों होता है वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, 1/11, लेट्स स्टार्ट. 0, 0, 0, 0, 11 9s are 99, 1, है ना? वापिस कितने जीरो लेने पड़े? 0, 11 9s are 99. क्या होना स्टार्ट हो गया? आंसर क्या आया बेटा? 09090909009, ऐसे आंसर आता जाएगा. सो व्हाट इज आंसर ऑफ 1/11? 0.09 बार. इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे? कौन सा नंबर बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है. ओके, सम नंबर 3. 4 integer 1/8. 8 4s are 32 plus 1 33/8. Let's find out answer of 33/8. 8 4s are 32 10. 8 1s are 8 2. 8 2s are 16 4. 8 5s are 40. Remainder 0 आ गया. अगर remainder 0 आ गया कभी भी तो it's called terminating number. इसका आंसर कितना आ गया? 4.125. क्लियर? अब एक और सम है बेटा जो मैं लेता हूं. (3:29/400). अब आप थोड़ा कॉमन सेंस इसमें हमको यूज करना पड़ेगा कि क्या मैं 329 को 4 से डिवाइड करूंगा? बेटा इसको स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं. ठीक है, अब कैन यू से दिस इज 4 into 100? तो
मैं 329 को 400 से डिवाइड करूं, उससे बेटर यह है कि 329 को मैं 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि 100, व्हाट आई नीड हियर, आई नीड 10 और मल्टीपल ऑफ 10 इन डिनोमिनेटर इफ इट इज पॉसिबल. ठीक है, नाउ डिवाइड 329 बाय 4, कम ऑन, 48 आर 32, 42 आर 8, 42 आर 8, 45 आर 20, सो 82.25 हंड्रेड एज इट इज. बेटा रिमाइंडर जीरो आ गया ना, इट मींस टर्मिनेटिंग कंफर्म. अब इसका आंसर कितना हुआ, 2 डेसिमल ऑलरेडी है, डबल जीरो का 2 डेसिमल और ले लेता हूं, 0.8225. सो टुडे वी हैव फिनिश्ड 1.2 के दो सम छोड़ के और 1.3 का क्वेश्चन 1. ये आपको नोटबुक में लिख लेना है और मैं चैप्टर 2 की एक और वर्कशीट भेज रहा हूं, वो भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करनी है. टेक केयर, लव यू, बाय बाय.